नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सत्यन सिंह चैनल में। आज का वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है। आज के टाइम पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है डाटा बैकअप। बहुत लोगों का स्मॉल ऑफिसेज वगैरह में है, मैंने देखा है कि 80% लोग डाटा बैकअप नहीं लेते हैं और वो लोग डिपेंड रहते हैं कि हार्ड डिस्क के ऊपर, या फिर डाटा लेना भूल जाते हैं, बैकअप लेना भूल जाते हैं, और कभी हार्ड डिस्क क्रैश हो जाता है तो पूरा डाटा उनका चला जाता है। और अगर डाटा रिकवरी के लिए भी देंगे तो मेरे सबसे 1 TB का डाटा रिकवरी जो लैब में चार्जेस लेते हैं वो 20-25,000 रुपीज़ है। तो उसके लिए आज मैं बेस्ट सोल्यूशन बताने वाला हूँ कि आप कैसे आपके ओल्ड लैपटॉप या फिर ओल्ड डेस्कटॉप को नैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें कि आपके यूज़र राइट्स दे सकते हैं, आप सिक्योर कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट्स डिपार्टमेंट है तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लिए आप अलग से यूज़र क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए राइट्स दे सकते हैं। और अगर आपके पास आपका और डिपार्टमेंट्स हैं तो आप उनके लिए यूज़र राइट्स दे सकते हैं, एक दूसरे का डाटा एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो इसमें ऑफिसेज वगैरह 5 यूज़र 10 यूज़र 20 यूज़र्स के लिए बहुत अच्छा सोल्यूशन है। तो आज मेरे पास ये ओल्ड लैपटॉप है जो अभी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो इसको हम नैस में कन्वर्ट करेंगे। और या फिर आप डेस्कटॉप है तो आप डेस्कटॉप भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास ये लैपटॉप है, लैपटॉप में कन्वर्ट करूँगा। इसके लिए क्या क्या लगेगा मैं आपको बता देता हूँ। तो ये मेरे पास 500 GB का 2 हार्ड डिस्क है, और एक और मेरे पास एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क है ये 500 GB का, जिसका मैं बताऊंगा आपको इसको बाद में कैसे यूज़ करेंगे। और ये कैडी है, कैडी तो अभी शायद बहुत लोग जानते भी हैं। कैडी हम एक हार्ड डिस्क लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा, और एक हार्ड डिस्क कैडी के अंदर डाल के हम लोग सेकेंडरी हार्ड डिस्क जिसको हम मिरर करने वाले हैं। और आपके ऑफिस में या घर पे राउटर रहेगा तो ये हम लैन से कनेक्ट करेंगे। लैन से कनेक्टिविटी हमको डाटा नेटवर्क जो ड्राइव है नैस का वो काफ़ी फास्ट एक्सेस होगा। तो आपको राउटर लगेगा, ये केबल है, ये डेमो के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। आपके ऑफिसेज वगैरह में कहीं पे भी आप कनेक्ट करेंगे तो आपका केबल एक राउटर के थ्रू केबल आपको कनेक्ट करना है लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप पे। और आपको एक पेन ड्राइव लगेगा जिससे हम एक बूटेबल बनाएंगे नैस ओएस इंस्टॉल करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहुंचेंगे हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो दोस्तों ये मेरे पास पेन ड्राइव है, सबसे पहले हम पेन ड्राइव लगा लेंगे। तो सभी मैंने पेन ड्राइव कनेक्ट कर लिया है। बूटेबल के लिए हम रिफोज यूज़ करेंगे, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उसके सबका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको डाउनलोड कर सकते हैं। ओपन हो गया है। तो यहाँ पे देखिए मैंने नैस में एक्सपी इनोबोट और DSM और एक एडवांस IP स्कैनर। ये IP आपको नैस सर्च करने के लिए लगेगा कि आपने के नैस ने कौन सा IP लिया हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसको ISO का पाथ देंगे जो डेस्कटॉप पे नैस में रखा हुआ है, रेडी हो गया है। आपको नेस फॉर्म करने के लिए आपको सेम राउटर से सेम नेटवर्क से कनेक्ट रहना पड़ेगा। पेन ड्राइव क्रिएट हो गया है। तो दोस्तों अभी एक पेन ड्राइव बूटेबल बना लिया मैंने, जैसे कि आपने देखा। तो अभी सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हम लैपटॉप में हार्ड डिस्क कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले एड्रेस में हम हार्ड डिस्क इंस्टॉल करेंगे। मेरे पास 2 हार्ड डिस्क है 500 GB का, दूसरा हार्ड डिस्क हम मिररिंग के लिए यूज़ करेंगे, और एक और हार्ड डिस्क है इसको हम एक्सटर्नल बैकअप के लिए यूज़ करेंगे, जो कि हम शेड्यूल करेंगे कि ये नाइट में या कभी भी वीकली इसमें ऑटोमेटिक बैकअप होता रहेगा। अगर हमारा दोनों हार्ड डिस्क भी डेड हो जाता है या मशीन डेड हो जाता है तो हमारे पास एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में डाटा बैकअप सेफ रहेगा। इसके मैंने स्क्रूज पहले ही निकाल के रखे हुए हैं। तो मेरे पास मेरा लैपटॉप है, मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूँ। आपके पास अगर डेस्कटॉप है तो आप डेस्कटॉप यूज कर सकते हैं।
एक हार्ड डिस्क इसमें इंस्टॉल हो गया। फ्रेंड्स मैं ऑलरेडी नेस 1 मंथ से यूज कर रहा हूँ, तो मैं आपको डेमो के लिए बना के दिखा रहा हूँ। ये सीडी रोम इसका निकल गया है। इसकी जगह पे हम ये कैड यूज करेंगे। इसमें नॉर्मली फ्रेंड्स अभी हम एक ही स्क्रू लगा रहे हैं कि सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ। इसमें चारों स्क्रू लगाइए, इसके साथ में 4 स्क्रू आते हैं। पावर केबल लगा देंगे। तो फ्रेंड्स मैं आपको दिखा देता हूँ, सही पेन ड्राइव है जो हम लोगों ने भी बूटेबल बनाया था, तो इसको कनेक्ट कर लेंगे यूएसबी में और पावर ऑन करेंगे, टेल से बूट करेंगे। आपके डेस्कटॉप में लैपटॉप में F11 कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए किंगस्टन का ड्राइव आ रहा है, USB ड्राइव, इससे हम बूट करेंगे। डायरेक्ट XP सिनोलॉजी एंटर करेंगे। देखिए बिट डिस्क स्टेशन लॉगिन आ गया। अभी हम नेटवर्क केबल है इसको कनेक्ट करेंगे। आपके पास नेटवर्क स्विच है, राउटर है, नेटवर्क स्विच है, आप उसमें भी डाल सकते हैं। और ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए सतन स्टेक, ये राउटर का नेम है मेरा, जिसमें भी नेट नहीं है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम नेटवर्क पे कनेक्टेड हैं। तो अभी हम एडवांस स्कैनर रन करेंगे, इसको पहले इंस्टॉल कर लेते हैं। लेकिन मैं इसको रन करूँगा, आप इंस्टॉल करना चाहें इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए 101 डिटेक्ट हुआ है IP, इसको हम इंटरनेट एक्सप्लोरर या फिर क्रोम में खोलेंगे। 101 सेटअप का ऑप्शन आ रहा है, तो हम इसको सेटअप करेंगे। सेटअप के लिए जो फाइल हमको इंस्टॉलेशन लगेगा वो हम लोगों ने ऑलरेडी रखा हुआ है, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ से आपको ब्राउज करना है, ब्राउज करने के बाद में ये जो tsm.pad फाइल है इसको हम सिलेक्ट करेंगे और ओपन करेंगे। अगर मेरा डेस्कटॉप जो है वो वायरलेस के थ्रू कनेक्टेड है तो इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लेगा, अगर आपका लैन केबल के थ्रू रहेगा तो फास्ट हो जाएगा। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे। ओके, यहाँ पे जो भी आपका हार्ड डिस्क में अगर पहले से डाटा रहेगा तो वो सब डिलीट हो जाएगा। तो अगर आप जो भी हार्ड डिस्क यूज कर रहे हैं तो वो हार्ड डिस्क आपकी
अगर ओल्ड है तो उसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट डाटा नहीं रहना चाहिए कि डाटा आपको पूरा इरेज होने वाला है, या फिर आप न्यू हार्ड डिस्क इंस्टॉल कर रहे हैं तो आप तो न्यू में तो कुछ डाटा रहेगा ही नहीं, ओके कर देंगे। यहाँ पे हम सर्वर नेम देंगे, सर्वर नेम मैं देता हूँ इसको सत्यन स्टिक, यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड आप जो चाहें वो रख सकते हैं, मैं नॉर्मल एडमिन एट द रेट 123 रख रहा हूँ, पासवर्ड आपको बोलना नहीं है। पासवर्ड अभी इसका रखा हुआ है 123456 और यूजरनेम एडमिन, सर्वर नेम है सत्यन स्टिक। इसको हम स्किप कर देंगे, फ्रेंड्स नेसोस हमारा बूट हो गया है। तो कॉन्फ़िगर करने के लिए हम जाएंगे इसके कंट्रोल पैनल में, इसमें यहाँ पे देखिए यूज़र दिया हुआ है, ग्रुप्स आप क्रिएट कर सकते हैं, आप फोल्डर कौन सा शेयर करना है वो कर सकते हैं, और यहाँ पे आपका स्टोरेज मैनेजर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम स्टोरेज मैनेजर में जाएंगे, हार्ड डिस्क या फिर आप SSD यूज कर रहे हैं तो अभी देखिए यहाँ पे दो हार्ड डिस्क जो मैंने आपको दिखाए थे, यहाँ पे 500 GB का आपको दो हार्ड डिस्क दिख रहे हैं, ठीक है, जिसका स्मार्ट स्टेटस यहाँ पे नॉर्मल है, यहाँ पे आप टेम्परेचर वगैरह दे सकते हैं और इनिशियलाइज्ड है। के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक डिस्क ग्रुप क्रिएट करेंगे, यहाँ पे देखिए दो हार्ड डिस्क दिख रही है, दोनों सिलेक्टेड है, नेक्स्ट ऑल डाटा बीज सिलेक्टेड कंटिन्यू, ओके। अब यहाँ पे देखिए चूज इट रेड टाइप, अब यहाँ पे आपको रेड चेक कर चूज करना है, तो मैं यहाँ पे रेड 1 चूज करूंगा, नेक्स्ट बैट सेक्स ऑफ रेड विंड रिमैप ड्यूरिंग नेक्स्ट रेड 1 कैपेसिटी। अभी आपकी जो कैपेसिटी है अभी 4 500 प्लस 500 GB दो हार्ड डिस्क, अभी आपकी कैपेसिटी जो है वो सिर्फ 500 GB यूज रहेगी, 500 GB आपका मिररिंग के लिए यूज होने वाली है, अप्लाई कर देंगे। अभी हमारा रेट क्रिएट हो चुका है, अभी हम क्रिएट करेंगे, कंट्रोल पैनल में जाएंगे और सबसे पहले हम फोल्डर क्रिएट करेंगे, तो क्रिएट इससे पहले हमको वॉल्यूम क्रिएट करना पड़ेगा, कस्टम नेक्स्ट डिस्क ग्रुप अवेलेबल, ओके नेक्स्ट नेक्स्ट ओके। अभी इसके बाद में हम फोल्डर क्रिएट करेंगे शेयरिंग के लिए, मतलब जैसे आप ऑफिस के लिए ले लीजिए अकाउंट्स, अकाउंट्स डाल देता हूँ मैं डिस्क्रिप्शन में, कुछ नहीं डालना है। हाइड दिस फोल्डर इन माय नेटवर्क प्लेस, आप चाहे तो हाइड कर सकते हैं इसको, तो यहाँ आपका जो नेटवर्क नेटवर्क्स में आपको कंप्यूटर्स दिखते हैं वहाँ पे ये दिखेगा नहीं, शो नहीं होगा, तो इसको आप टिक करना चाहें आप कर सकते हैं।
सब फोल्डर्स फाइल विदाउट परमिशन इसको हाइड कर सकते हैं, रिसाइकल बिन वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं, इंक्रिप्शन कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसको ओके करूँगा। अभी यहाँ पे आपको परमिशन, यहाँ पे दो यूज़र हैं एडमिन और गेस्ट, यहाँ पे आप बाकी यूज़र भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं अभी एडमिन को रीड एंड राइट फुल परमिशन दे देता हूँ। अभी मैं एक और यूज़र क्रिएट करता हूँ टेस्टिंग के लिए, स्पेस लगता है नेक्स्ट। अभी यहाँ पे देखिए आपने जो अकाउंट्स फोल्डर बनाया हुआ था, अब वो हमको इसको एक्सेस देना है नहीं देना है, तो हम इसको रीड ओनली एक्सेस देंगे। टेस्ट यूजर है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेस्ट यूजर को नो एक्सेस, रीड ओनली एक्सेस दिया हुआ है, और एडमिन को हमने रीड एंड राइट दिया हुआ है, मतलब फुल एक्सेस है। ओके करेंगे और अभी हम ट्राई करते हैं एक्सेस के लिए। तो अभी हम चलिए एक्सेस करके देखते हैं, रन में जाएंगे, स्पेशलाइज स्टैक, इसकी जगह पर आप आईपी का भी यूज कर सकते हैं। देखिए अभी यूजर ने पासवर्ड पूछ रहा है। अभी आप जैसे आपने टेस्ट यूजर दिया था, तो मैं टेस्ट यूजर से पहले लॉगिन करूंगा, पहले एडमिन से लॉगिन करता हूँ। अभी देखिए अकाउंट फोल्डर एक्सेस हो गया है जो हम लोगों ने बनाया था, इसके अंदर कुछ फाइल्स हम बना देते हैं, इसको हम मैप कर देंगे, मैप भी कर सकते हैं आप। तो मैप करेंगे, मैप करेंगे तो आप जो भी फोल्डर आपका नेस का रहेगा वो डायरेक्ट आपको आपके माई कंप्यूटर में दिखेगा, तो आपको बार बार उसको लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। और इसको आप आईपी के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं, नेम की जगह पे आप सर्वर नेम की जगह पे आप आईपी का डालेंगे 192.168.0.1. तो देखिए आप अभी 101 फिर से आपको यूजर नेम पासवर्ड डालना पड़ेगा, तो अभी मैं उसकी जगह पे टेस्ट डालता हूँ, टेस्ट 1 2 3 4 5 6। अभी देखिए टेस्ट यूजर्स 1 2 3 4 5 6 पासवर्ड था, लॉगिन हो गया है। अभी ये सिर्फ फाइल रीड ऑनली है, इसमें शायद मैं कुछ सेव नहीं कर सकता हूँ, इसको एडिट नहीं कर सकता हूँ, सिर्फ मैं इसको रीड कर सकता हूँ। अभी इसको मैं डिलीट भी नहीं कर सकता हूँ, डिलीट भी नहीं होगा ये। तो ऐसे ही आप आपके यहाँ पे यूजर आप क्रिएट कर सकते हैं, उनको राइट्स दे सकते हैं, और आप यहाँ पे ग्रुप कनेक्ट कर सकते हैं, सेल्स टीम है आपका, अकाउंट्स है, सर्विस टीम है, जो भी रहेगा आपके ग्रुप्स वो आप क्रिएट कर सकते हैं। आप इसको मोबाइल पे भी एक्सेस कर सकते हैं, तो मोबाइल के मैं आपको बता देता हूँ। मोबाइल के लिए आपको डीएस फाइल करना है डाउनलोड, देखिए आप केसिंग ले सकते हैं एक एक्स्ट्रा, तो मैं अभी सिर्फ डेमो के लिए आपको दिखा रहा हूँ। ये मेरे पास साटा कनेक्टर है, इसको मैं हार्ड डिस्क में कनेक्ट कर दूंगा, आप एक्सटर्नल केसिंग में हार्ड डिस्क लगा सकते हैं। और इसको मैं इस हार्ड डिस्क को मैं कनेक्ट कर दूंगा नेस पे, लिंक होना चालू हो गया। तो यहाँ से बेसिक से एडवांस मोड कर दिया मैंने। यहाँ पे आप देखिए एक्सटर्नल डिवाइसेस,
तो यहाँ पे देखिए, मैंने जो अभी डिस्कनेक्ट किया है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, तो इसको हम एक बैकअप के लिए रखेंगे, जिसमें ऑटोमेटिक शेड्यूल हम डाल देंगे, जो मंथली या वीकली ऑटोमेटिक बैकअप होता रहेगा कि इमरजेंसी में कभी लैपटॉप या डेस्कटॉप आपका डेड हो जाता है, या हार्ड डिस्क डेड हो जाता है, या बर्न हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो थर्ड डेटा बैकअप हमारे पास रहना चाहिए। उसको भी हम शेड्यूल कर देंगे, बैकअप ले जाएंगे, का फोल्डर है हम लोगों ने क्रिएट किया था, उसको मैं बैकअप के लिए डाल देता हूँ। आपके बाकी के फोल्डर जो क्रिएट करेंगे वो भी यहाँ पे आपको लिस्ट में दिख जाएंगे। नेक्स्ट, यहाँ पे आप शेड्यूल कर सकते हैं, तो मैं एवरी सैटरडे का शेड्यूल कर देता हूँ। फर्स्ट रन जो होगा वो डाल देता हूँ शेड्यूल मैंने सैटरडे का दिया हुआ है। इसके लिए यहाँ पे देखिए, आपको ओवरव्यू शेड्यूल दिखता रहेगा। फर्स्ट आपका सेट टास्क कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है, सेकंड कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ, वो आपका शेड्यूल यहाँ पे दिखेगा आपको। तो यहाँ पे देखिए बैकअप, आप मैनुअली अभी मैं कर देता हूँ बैकअप ना। तो अभी देखिए बैकअप टास्क कंप्लीट हो गया है, सपोज कीजिए ये आपका मशीन हो गया ऑफ, डेड हो गया, तो भी आपका डाटा आप नहीं निकाल सकते हैं। इसके लिए मैंने थ्रेड जो शेड्यूल किया हुआ था वो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगा के रखा था, तो इस पर भी हो रहा था। अभी इसको अपने डेस्कटॉप पर कनेक्ट करेंगे और देखेंगे हमारा जो बैकअप है वो अवेलेबल है कि नहीं है। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे।